शेखपुरा के शेरों जिंदाबाद, शेखपुरा के शेरों जिंदाबाद। मैं शेखपुरा के शेरों के लिए मोहम्मद नवाज शरीफ और मोहम्मद शहबाज शरीफ का सलाम लेकर आई हूँ। मियां जावेद लतीफ जैसे जमहूरियत और नवाज शरीफ के सिपाही को सर झुकाकर मरियम नवाज शरीफ का सलाम। शेखपुरा वालों, आपको पता है कि कल रात को मैंने ये फैसला किया कि आज मैं शेखपुरा जावेद लतीफ साहब की फैमिली के साथ मिलूंगी आकर। मैंने किसी को इत्तला नहीं की कि मैं आ रही हूँ, लेकिन मुझे पता चल गया कि जावेद लतीफ के शेखपुरा के शहर का आगाज जब हुआ तो मुझे आवाम के जमने वकील से पता चल गया कि शेखपुरा में आ गया। शेखपुरा वालों जिसने आईन की बात की, जिसने आईन में पाकिस्तान की बात की, जिसने पाकिस्तान के कानून की बात की, जिसने हक की बात की और वो गद्दार कहलाया, तो याद रखो कि पूरा पाकिस्तान गद्दार है। ये जो गद्दार का लकब दिया गया जावेद लतीफ साहब को, ये गद्दारी का लकब जावेद लतीफ साहब को नहीं दिया गया, ये शेखपुरा के अवाम को गद्दारी का लकब दिया गया है। और ये गद्दारी खेलना हम बहुत सालों से सुनते आ रहे हो ना। जिससे डर लगता है, हक की बात से डर लगता है, आईन और कानून की बात से डर लगता है, सच्चाई से डर लगता है, बहादुरी से डर लगता है, तो क्या होता है, बैग खुलता है और उसमें से कभी गद्दारी का लकब निकल आता है, कभी उसमें से मजहब का फतवा निकल आता है, कभी उसमें से चोर और डाकू का लकब निकल आता है। तो शेखपुरा वालों, आपका सर फखर से बुलंद होना चाहिए कि नवाज शरीफ के शेर पाकिस्तान के बेटे और शेखपुरा धरती के बेटे जावेद लतीफ ने खतरा मोल लेकर हक और सच की बात पर डटे रहकर न सिर्फ नवाज शरीफ का और शेखपुरा का बल्कि पाकिस्तान की मिट्टी होने का हक अदा कर दिया है। और शेखपुरा के भाइयों बुजुर्गों, बात यह है कि वक्त बदल गया है। अगर गद्दार होना जुर्म है तो जानते हो सबसे पहला मुजरिम कौन था गद्दारी का? गद्दारी का लकब उन्होंने मोहतरमा फातिमा जिन्ना को भी दिया था। गद्दारी का लकब नवाज शरीफ के हिस्से में भी आया था। गद्दारी का लकब मरियम नवाज के हिस्से में भी आया था। लेकिन अगर हक को हक कहना, सच को सच कहना, आईन की सरबुलंदी की बात करना, इदारों की सरबुलंदी की बात करना, कानून की पासदारी करना, अगर गद्दारी है तो हाँ, ये गद्दारी हम बार बार करेंगे। और जो एक सेकंड
और जिन लोगों ने गद्दारी के खतरे बांटने की फैक्ट्रीज खोली हुई है उनको खबर हो कि 22 करोड़ अवाम ये जान चुकी है कि जब तुम डरते हो, जब तुम हार जाते हो, आईन की सरबुलंदी की बात नहीं सुन सकते तो गद्दारी के सर्टिफिकेट मिलते हैं। लेकिन मैं एक बात बता दूं शेखुपुरा के गयूर अवाम को कि वक्त बदल रहा है, लोगों ने डरना छोड़ दिया है। जो लोग पहले डर के चुप कर जाते थे, आज जावेद लतीफ की तरह जब आपको ये पता हो कि हक और सच कहने की पादाश में आपको गिरफ्तार कर लिया जाएगा, फिर भी अगर आप हक और सच का साथ दें तो इससे बड़ी बहादुरी और कौम की सर्विस कोई नहीं हो सकती। और सबसे अच्छी बात यह है देखो शेखुपुरा के भाइयों, सबसे अच्छी बात यह है कि जो कभी गद्दारी के फतवे लोगों के गलों में लटकाया करते थे, अवाम ने जिन जिन को इतनी मेहनत करके इन्होंने गद्दार कहा, पाकिस्तान के 22 करोड़ अवाम ने उनको अपना हीरो बना लिया। कौन कहता था नवाज शरीफ गद्दार है, जानते हो ना? नवाज शरीफ के ऊपर कौन सा इल्जाम है जो उन्होंने नवाज शरीफ के ऊपर नहीं लगाया? लेकिन अल्लाह ताला का करना देखो, अल्लाह ताला का करना देखो कि वही नवाज शरीफ आज लंदन में बैठा है, लेकिन पाकिस्तान के कोने कोने से अल्लाह ताला के फजल व करम से नवाज शरीफ के हक में फैसले आ रहे हैं। जरा सुनूं, और आप देखो जिसको आपने चोर कहा, जिसको आपने डाकू कहा, जिसको आपने गद्दार कहा, जिस पर आपने मजहब के फतवे लगाए, आज उसका बयानिया न सिर्फ पाकिस्तान के कोने कोने में फैल चुका है बल्कि डस्का देखा था ना, लोगों ने नवाज शरीफ के बयानिए पर लबैक कहा और न सिर्फ वोट को इज्जत दी बल्कि रात रात भर जागकर वोट की हुर्मत पे पहरा दिया और अपनी छीनी हुई सीट इनसे वापस ली। शाबाश। देखो आज अवाम का फैसला बता दो, एक सेकंड। मेरा बड़ा दिल करता है कि ये नारे जो आप लगा रहे हैं ये टीवी के थ्रू 22 करोड़ अवाम सुने ताकि उनको पता चले। धरती के असल गद्दार कौन है? सरदार सातम निसार। क्या? सरदार सातम निसार। सरदार सातम निसार। मरियम नवाज़ इस वक्त कारकुनान से खिताब कर रही हैं। मरियम नवाज़ शेखुपुरा पहुंची।
जहां पर उन्होंने मुस्लिम लीग नून के रहनुमा जावेद लतीफ़ के अहले खाना से मुलाकात की। उनके हमरा मुस्लिम लीग नून के दीगर रहनुमा भी मौजूद हैं। खुर्रम दस्तगीर, तलाल चौधरी, मरियम औरंगज़ेब, परवेज़ रशीद भी उनके हमरा हैं और मरियम नवाज़ ने उनकी गिरफ्तारी की मजम्मत की है। जावेद लतीफ़ के हवाले से उन्होंने कहा कि वो नून लीग का फ़ख्र है। मरियम नवाज़ इस वक्त खिताब कर रही हैं शेखुपुरा में, जबकि कारकुनान उनके नारों का जवाब दे रहे हैं। नवाज शरीफ साहब ने अपनी जात पर और अपने खानदान पर, अपनी पार्टी पर कुर्बानियां झेलकर, बड़ी से बड़ी कुर्बानी देकर आज पाकिस्तान के 22 करोड़ आवाम को बेदार कर दिया है। शुक्रिया नवाज शरीफ, बहुत बहुत शुक्रिया। आज ना सिर्फ शेखुपुरा की आवाम को बल्कि 22 करोड़ आवाम को ये पता चल गया है कि उनका हक क्या है, आईन क्या है, कानून क्या है, और आईन और कानून के मानने वाले कौन हैं और उसके गद्दार कौन हैं। मैं बताऊं शेखुपुरा के भाइयों, जरा ध्यान से मेरी बात सुनो। मरियम नवाज़ शेखुपुरा में मौजूद हैं, कारकुनान से खिताब कर रही हैं। मरियम नवाज़ आज शेखुपुरा पहुंची और जावेद लतीफ़ के अहले खाना से मुलाकात भी की। फैज अहमद फैज का वो शेर सुना है ना, चली है रस्म के कोई सर उठा के ना चले, तो याद रखो शेखुपुरा के शेरों, नवाज शरीफ ने अपनी कौम को सर उठा के चलना सिखा दिया है। और मैं बताऊं गद्दार कौन है, आवाम जानती है कि गद्दार कौन है। एक जमाना था जब गद्दार जब कुर्सियों पर बैठे होते थे तो लोग उनकी कुर्सियां छोड़ने का, इक्तदार से हटने का इंतजार कहते करते थे ताकि उनको गद्दार कह दिया जाए। लेकिन आज वो वक्त बदल गया है, आज लोग कुर्सियों पे बैठे हुए हैं लेकिन आवाम ये बोलने से घबरा रहे हैं कि गद्दार कौन है। और मैं बताऊं गद्दार कौन है, गद्दार उसको कहते हैं शेखुपुरा वालों, जरा ध्यान से मेरी बात सुनना, गद्दार उसको कहते हैं जो अमेरिका में बैठकर कश्मीर का सौदा करके कश्मीर को भारत की झोली में भेजकर कश्मीर को भारत की झोली में बेटा हम इसको मना करें प्लीज, क्या मना करें आपको। गद्दार वो है जो कश्मीरियों का सौदा करके कश्मीर का सौदा करके मुंह लटका के पाकिस्तान वापस आए, उसको कहते हैं गद्दार। गद्दार उसको कहते हैं जब पूरा बैनुल अक्वामी मीडिया और पाकिस्तानी मीडिया देख रहा हो और वो टीवी स्क्रीन पर बैठकर ये कहे कि जो पाकिस्तान के सफीर हैं, जो पाकिस्तान के सफारत खाने हैं, जो पाकिस्तान को दुनिया भर में पाकिस्तान की नुमाइंदगी करते हैं, वो सही काम नहीं कर रहे, इसको गद्दारी कहते हैं। गद्दार वो है जो दूसरे मुल्कों में बैठकर छुप छुप कर कश्मीर को बेचने का, उसको सौदा करने का प्लान बना रहा हो। गद्दार उसको कहते हैं जब नवाज शरीफ वजीर आजम था, याद है ना, हर रोज जत्थे लेकर एक मुंतखब वजीर आजम को के घर पर चढ़ाई करते थे, याद है ना।
गद्दार उसको कहते हैं जो मुल्क और कौम के साथ धोखा करे और पाकिस्तान की 22 करोड़ आवाम की जिंदगियों से खेले, उनको ऑफिशियली भिखारी बना दे और इमदाद लेने के काबिल बना दे, और जब रमजानुल मुबारक के महीने के अंदर एक एक किलो चीनी के लिए लाइनों में आवाम को लगना पड़े और उनके अंगूठे पर निशान लगाया जाए कि एक किलो चीनी लेके अब दूसरी किलो लेके वापस ना आना, गद्दारी इसको कहते हैं। मरियम नवाज का खिताब जारी है, कारकुनान से खिताब कर रही है। मरियम नवाज शेखुपुरा पहुंची हैं और इस वक्त स्टेज पर मौजूद हैं, तकरीर कर रही हैं। गद्दारी इसको कहते हैं, गद्दारी इसको कहते हैं कि नवाज शरीफ अवाम का वजीर आजम था, अवाम के वोटों से आया था, सिलेक्टेड वजीर आजम नहीं था, सिलेक्ट होकर नहीं आया था, किसी के कंधों पे चढ़ के नहीं आया था। जब ऐसे वजीर आजम को इक्तदार से बाहर निकालने के लिए आप इदारों का इस्तेमाल करते हैं, पाकिस्तान के कौमी इदारों का इस्तेमाल करते हैं, तो उसको गद्दारी कहते हैं। जब आप बुग़्ज़े नवाज शरीफ और बुग़्ज़े पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून में जब आप पाकिस्तान के कौमी इदारों पर उंगलियां उठवाते हैं, उनको दागदार कहते हैं, दागदार करते हैं, अवाम की नजर में कौमी इदारों को मुजरिम ठहराते हैं, अपनी नालायकी और अपनी नाअहली की वजह से आप कौमी इदारों को तनकीद की आग में झोंकते हैं, अवाम के बिल मुकाबिल लाकर खड़ा करते हैं, तो इसको कहते हैं पाकिस्तान के साथ गद्दारी। लीगी नायब सदर मरियम नवाज शेखुपुरा में मौजूद हैं, यहाँ पर अपने कारकुनों से वो खिताब कर रही हैं। मियां जावेद लतीफ़ के अहले खाना से भी उन्होंने मुलाकात की। इमरान खान जब भारत की सरजमीन पर बैठकर अपनी फौज और आईएसआई के खिलाफ दुश्मन मुल्क में जाकर बात करता है तो उसको गद्दारी कहते हैं। आप 2018 के इलेक्शन में आरटीएस को बिठाकर अवाम के वोट पर डाका डालकर एक सिलेक्टेड को 22 करोड़ के सरों पर मुसल्लत करते हैं, उसको कहते हैं गद्दारी। अब जानते हो गद्दारी क्या होती है? जब आप जबरदस्ती धौंस और धांधली के साथ डरा धमका कर मीडिया को खामोशी की जंजीरों में कैद करने की कोशिश करते हो, उसको कहते हैं गद्दारी। जब आप काजी फाइज ईसा और जस्टिस शौकत अजीज सदीकी जैसे बेदाग जजों को मुतनाजा बनाने की कोशिश करते हो सिर्फ इसलिए कि आप सच बोलने वाले जजेस को बर्दाश्त नहीं कर सकते, जब जजेस सच बोलेंगे, जब जजेस आईन और कानून के साथ खड़े होंगे, तो इमरान खान का नाम लेवा कोई नहीं होगा। इसलिए तुम काजी फाइज ईसा और जस्टिस शौकत अजीज सदीकी जैसे नामों को दागदार कर कहते हो और अदलिया को मुतनाजा बनाते हो, इसको कहते हैं गद्दारी। जब तुम मजहबी जमातों को नवाज शरीफ के खिलाफ इस्तेमाल
जब मुस्लिम लीग नून की हुकूमत के खिलाफ फैजाबाद में धरने हुए थे, याद है ना वो दिन। लीगी नायब सदर मरियम नवाज कारकुनों से खिताब कर रही हैं शेखुपुरा में। उनके हमराह खुरम दस्तगीर को देखा जा सकता है, परवेज़ रशीद को देखा जा सकता है। मियां जावेद लतीफ़ के अहल खाना से मुलाकात के लिए तमाम लीगी रहनुमा यहां पहुंचे, उनके अहल खाना से मुलाकात की। मियां जावेद लतीफ़ गिरफ्तार हैं और लाहौर हाई कोर्ट में उनका मुकदमा ज़ेर समात है। उनसे इजहार यकजहती के लिए ये तमाम लीगी रहनुमा यहाँ पर पहुँचे हैं और अब यहाँ पर मौजूद कारकुनों से लीगी नायब सदर मरियम नवाज खिताब कर रही हैं। ऐसे में वो हुकूमत पर तनकीद करती नजर आ रही हैं। मरियम नवाज की जानिब से इस वक्त खिताब किया जा रहा है, शेखुपुरा में मौजूद है। और याद है वो दिन, और जब तुम्हारी अपनी हुकूमत आई, तुम्हारी अपनी हुकूमत आई तो तुमने उनको मस्जिदों में घुसकर शहीद किया, तुमने उनके ऊपर बैन लगाया। टीवी कैमरे पीछे से नहीं आ रहे। निहत्ते लोगों को मस्जिदों में मैंने देखा, जब ये पर मोहरे तस्दीक बंद कर दी। और आज जब इनकी हकूमत की कश्ती दावा डोल है, उसको बचाने के लिए आज कश्मीर का भी सौदा हो रहा है। और आज फलस्तीन में जो मजालिम हो रहे हैं, आज इसराइल फलस्तीन के ऊपर जो जुल्म के पहाड़ तोड़ रखे हैं, याद है ना कि उस यहूदी के अपने रिश्तेदार के सबके हक में कैंपेन किसने चलाई थी। और आज तुम एक ट्वीट फलस्तीनियों के हक पे समझ करके तुम समझते हो कि तुमने फलस्तीनियों के खून का हक अदा कर दिया। कौम को वो वक्त भूला नहीं जब तुम गोल्ड स्मिथ्स की जाकर वहां पर कैंपेन चला रहे थे। लीगी नायब सदर मरियम नवाज शेखुपुरा में कारकुनों से मुखातिब हैं। इस बात का यकीन रखना, मैं जानती हूँ कि इस नालायक और नाहिल की वजह से आवाम पर आज महंगाई का, लाकानूनियत का, नाहिली का, नालायकी की क्यामत टूट पड़ी है, मैं जानती हूँ। लेकिन इस बात की तसल्ली रखो कि इस रात की सुबह इंशाअल्लाह ताला तलू होने का, नवाज शरीफ का सूरज इंशाअल्लाह एक बार फिर तलू होने का है। मुस्लिम लीग नून, नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ और पाकिस्तान, मुस्लिम लीग नून का सूरज एक बार फिर तलू होने को इंशाअल्लाह। और कौम ये जान गई है, कौम ये पहचान गई है कि अगर इस मुल्क के हालात कोई ठीक कर सकता है अल्लाह ताला के फजल से, कोई इस मुल्क को मुश्किलात के भवन में से निकाल सकता है तो उसका क्या नाम है, उसका क्या नाम है। और मैं आज शेखुपुरा की धरती पर खड़े होकर मैं ये मैसेज देना चाहती हूँ गद्दारी के फतवे बांटने वालों को कि तुम्हारे गद्दारी के फतवों पर अब कोई यकीन करने को तैयार नहीं है। और अगर तुमने जावेद लतीफ जैसे मुहिब्बे वतन, वतन से मोहब्बत करने वाले को अगर तुमने गद्दार कहा तो याद रखना कि तुम्हारा यौम हिसाब करीब है। छोड़ दो,
और ये भी मैं बता दूं कि मैं ना सिर्फ जावेद लतीफ जैसे शेर के साथ खड़ी हूँ, नवाज शरीफ के बयानिए के साथ खड़ी हूँ, बल्कि मैं आज हर उस शख्स के साथ खड़ी हूँ जो नवाज शरीफ के बयानिए के साथ खड़ा है। शेखुपुरा के बेटे जावेद लतीफ को गद्दार कहा तो याद रखो कि ना सिर्फ शेखुपुरा का हर इंसान, शेखुपुरा का हर बसने वाला गद्दार है, बल्कि हम सब गद्दार हैं। लीगी रहनुमा मरियम नवाज इस वक्त शेखुपुरा में मौजूद हैं अपने कारकुनान के दरमियान। उनके हमराह लीगी रहनुमा भी हैं जो मियां जावेद लतीफ के अहल खाना से मुलाकात के लिए पहुंचे। मरियम कारकुनों से मुखातिब हैं। अगर गद्दारी के खतरे बांटने का इतना ही शौक है तो जिनको आईन और कानून ने गद्दार कहा है उनको रातों रात मुशर्रफ को मुल्क से फरार क्यों करा दिया? वो अस्पताल में कमर दर्द के बहाने। मरियम नवाज खिताब कर रही हैं, कारकुनान से शेखुपुरा पहुंची हैं। जावेद लतीफ़ की गिरफ्तारी की मजम्मत भी की गई है। मरियम नवाज ने इस मौके पर हुकूमत को भी तनकीद का निशाना बनाया है। उनके हमराह दीगर कारकुनान भी यहां पर मौजूद हैं। जावेद लतीफ़ की गिरफ्तारी के हवाले से मजम्मत की जा रही है मरियम नवाज की जानिब से, और मरियम औरंगज़ेब भी उनके हमराह मौजूद हैं, दीगर कायदीन भी मौजूद हैं। जबकि उन्होंने कहा कि नवाज शरीफ ही कौम को मुश्किल वक्त से निकाल सकता है, और उन्होंने कहा कि गद्दारी के फतवे बांटने वाले अवाम और उनके लीडरान के दरमियान से हट जाओ। और वो वक्त दूर नहीं, वो वक्त दूर नहीं जब इस धरती का बेटा जावेद लतीफ इंशाअल्लाह ताला बहुत जल्दी हमारे दरमियान होगा, बल्कि वो वक्त भी करीब है जब इस धरती का बेटा नवाज शरीफ इंशाअल्लाह ताला हमारे दरमियान होगा। सहाफी शफीक कुरैशी के ज़ेर सदारत जोड़वा शहरों से शाया होने वाला पहला मुकम्मल मुकामी अखबार रोज़नामा 99 न्यूज़, जिसमें मुकामी खबरों के अलावा शामिल होती हैं तमाम कौमी और बैनुल अक़वामी खबरें दौरे जदीद के तकाज़ों के ऐन मुताबिक। अब तमाम सोशल मीडिया टूल्स फेसबुक, ट्विटर और यूट्यूब के साथ भी दस्तयाब है। आज ही अपने हॉकर से इसकी कॉपी बुक करवाएं या विजिट करें www.99news।